1 अप्रैल साल 1933 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 में हुई। इसने अपनी पहली उड़ान 6 आरएएफ प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों के साथ की। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आज इसे भारतीय वायुसेना आईएएफ कहा जाता है। भारतीय वायुसेना युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का काम करती है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ 1 युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसने कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। आईएएफ में पहले 5 पायलट थे, हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह। सुब्रतो मुखर्जी बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1 अप्रैल साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करता है। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे साल 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है और वहां आरबीआई की नीतियां तैयार की जाती हैं।